हमारी नई नई पार्टी बनी है, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, और जब से बनी है मैं कहूंगी कि आप लोगों ने रैली में भी, पांडू पिंडारा की रैली में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस रैली को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए भी मैं एक एक व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने उस रैली को सफल बनाने में, क्योंकि जिस दिन वो रैली हुई थी और वो झंडा और डंडा जो हम लोगों ने गाड़ा था, वो दिन और आज का दिन, हर व्यक्ति अपनी तरफ से जेजेपी पार्टी के लिए तन मन और धन से लगा हुआ है। अगर हम इसी रफ्तार से लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका राजपाट होगा 2019 में। मैं गांव के जितने भी व्यक्ति आई, मैं सबसे कहूंगी, महिलाओं से कहूंगी कि जिस भारी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए, उसी संख्या से हर आदमी अगर अपने साथ 10 आदमी जोड़ने का प्रण कर ले तो कालावाली हलका जो है ना, वो मुझे लगता है पूरे सिरसा जिला में सबसे ज्यादा अपने विधायक को वोट दे के जिता के दे सकता है, अगर इसी रफ्तार से हम करते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। मैं जब भी सिरसा जिले की कोई बात आती है तो कालावाली मुझे लगता है नंबर वन पे है आज के दिन, क्योंकि आप लोगों का जब प्यार और स्नेह जननायक जनता पार्टी को मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आपको जो भी उम्मीदवार मिले इलेक्शंस में, आप उसका भरपूर समर्थन करें, उसको भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करें, क्योंकि एक एक विधायक जीत के जाएगा तभी आपका पसंदीदा दुष्यंत मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि बिना विधायकों के तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनने का जरिया है नहीं हरियाणा में। तो आप लोग जो आपके हिस्से में है कालावाली के, आप अपना एमएलए बना के भेजो, और जब आपकी सरकार आएगी तो मैं दुष्यंत को कहती हूँ कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चोई देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, इसमें हर जगह दादाजी का नाम आता है। तो काम भी मैं दुष्यंत को हर बार जब वो मेरे पास बैठते तो मैं उसको एक ही बात कहती हूँ कि दुष्यंत आपने दादाजी का नाम रख के बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, लोग आप में दादाजी देखते हैं, तो आपको काम भी चोई देवलाल वाले करने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलना कि नाम रख लिया तो, आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो दादाजी ने किया था। जैसे उन्होंने पेंशन की थी, चाहे वो अपने टाइम में 100 रुपए थी, पर लोगों का भला सोच के उन्होंने जो पेंशन का काम किया था ना, वो बहुत बड़ी बात थी। आज हर पार्टी अपने स्वार्थ के लिए उस पेंशन को बढ़ाती है, तो हम भी जब आपकी सरकार बनेगी, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो ही पेंशन 2000 से बढ़ा के 3000 रुपए करने का काम करेंगे। और हर बार मैं कहती हूँ ये पेंशन शायद हमारे जो छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब ये पेंशन बढ़ती बढ़ती एक दिन मुझे लग रहा है ये पेंशन भी 40000 रुपए तक पहुंच जाएगी, क्योंकि दादाजी ने ऐसा काम कर दिया, चाहे वो 100 रुपए थे, पर हर राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए पेंशन जरूर बढ़ाती है हर इलेक्शन में। तो दुष्यंत को भी ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ अगर आपके हाथ में हरियाणा के लोग कलम देते हैं तो आप पहली कलम से हरियाणा के लोगों का, किसानों का कर्जा जरूर माफ कर देना, ऐसा इतिहास बना देना कि लोग याद रखें कि हमने जिसमें ताऊ का रूप देखा था उसने सचमुच में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और जो पेंशन की उम्र है वो 55 महिलाओं की है और 58 वर्ष जो है वो पुरुषों की करने का काम करेंगे अगर आपकी सरकार बनी तो। और मैं महिलाओं से कहूंगी, क्योंकि मैं खुद महिला हूं और मुझे पता है कि घर गृहस्थी चलाना जो है वो आम महिला के लिए कितना मुश्किल है, तो आप लोगों के लिए हमारे घोषणा पत्र में शायद ये चीज ना लिखी हो, पर मैं आपको कह के जा रही हूं कि अगर आपकी सरकार बनी और दुष्यंत मुख्यमंत्री हुआ तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे गाँव, 10 गाँव का एक समूह बना के हम लोग महिलाओं के रोजगार का साधन जरूर ढूंढेंगे, हम छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने का काम करेंगे। मैं मेरी हरी चुनरी की चौपाल में भी ये बात कहती हूँ, मैंने तब भी महिलाओं के लिए प्रोग्राम शुरू कर रखा है हरी चुनरी की चौपाल, मैं कहती हूँ अगर अच्छा वक्त आया, आपकी सरकार हुई, जेजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री बना, तो महिलाओं के लिए हम छोटे छोटे लघु उद्योग लगाएंगे, ताकि महिलाएं जो 10 बजे से 4 बजे तक घरों में बिल्कुल खाली होती है, हर महिला अपने महीने का रोजगार का साधन उस लघु उद्योग में कमाने का काम करेगी, उसको हर महीने उसके एवज में पैसे मिलेंगे। और जो हमारी बच्चियां हैं
मैं कहूंगी कि वैसे तो शायद सरकारी स्कूलों में 8वीं तक शिक्षा फ्री है, पर मैं कहूंगी कि 10वीं 11वीं और 12वीं की लड़कियों की शिक्षा भी हम बिल्कुल मुफ्त कर देंगे जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ेगी। और किसानों के लिए मैं कहूंगी कि ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो बिल्कुल फ्री होंगे। बाकी अगर आपका राजपाट आता है तो हर घर से आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। आज हर युवा बेरोजगार घूम रहे, हर घर में चार चार बच्चे खाली बैठे हैं जो कमाने का कोई जरिया नहीं है। तो हर घर से एक युवा को रोजगारी मतलब रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे हम लोग। और बाकी जो गांव की समस्याएं हैं, एक बार आप राजपाट सौंप कर देखना जननायक जनता पार्टी को। मैं कहूंगी कि आप ये कहोगे कि सच में जिसके अंदर हम जो देवलाल का रूप देखते थे उस दुष्यंत ने हरियाणा की काया पलट दी। तो आपके सिरसे जिले का विकास जो है वो आपकी सरकार आने पर, पहले बड़ी बड़ी बातें मैं हर जगह ये बात कहती, जींद में भी कहती थी, मैंने कहा मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, जिस दिन अगर कलम हाथ में आ गई फिर आप उसके बाद दुष्यंत का काम देखना, क्योंकि बातें करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ करके दिखाएंगे आप लोगों को। बस आपके हाथ में है कि आप एक बारी जो भी विधायक आप लोगों को हम लोग उम्मीदवार खड़ा करें उसको जिताने का काम करो। एक मौका आप दो फिर आप हमें मौका देना, हम लोग आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं आप देख लो।